तो एक बार कोई वेट करता है तो आप कितना रुपया? दो रुपया लेते हैं। तो आप दिन भर ऐसे इधर ही बैठे रहते हो? कितने बजे से सुबह अंकल? सुबह 8-9 बजे से बैठता हूँ। 8-9 बजे से बैठे रहते हो और रात के? रात को 9 बजे तक बैठे रहते। दिन में अंकल एक हिसाब से कितनी कमाई हो जाती होगी अंकल आपका? 200-250। तो आप 12 घंटा बैठते हो 200-250 रुपए कमाने के लिए। मैं देखता हूँ कि लोग हौसले आ जाते हैं उनको, लेकिन आप 12 घंटा ऐसी इधर धूप में, मेरे को पता है इधर दोपहर में धूप ज़्यादा होती होगी, उसमें भी आप कमाते हो, उसमें भी आप इधर बैठे रहते हो। आपको शायद याद ना होगा कि मैं आपके इधर बहुत बार आया हूँ। अच्छा। मैं ऐसे जाते रहता हूँ तो बहुत बार आया हूँ मैं और आपसे वेट करवाया हूँ। तो आज मेरे को ऐसा लगा कि मुझे लोगों तक ये बात पहुँचानी चाहिए कि एक इंसान 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा धूप में हो, छाव हो, कोई भी मौसम में इधर बैठ के मेहनत करके कमा सकता है। और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए जितने भी लोग आते जाते हैं वो आके आपसे वेट करें। भले देखो मैं 2 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन वो 2 रुपया अगर आपको ज्यादा कमाई होगी तो आपका भला होगा, उनका भी अच्छा है कि आप ये जो जानकारी देते हो वजन में। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो रोज सुबह निकलते हैं ना तो वो वजन करते हैं। मतलब इसकी ये जानकारी है ना, लोगों को भले लगे कि इतनी खास जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जानकारी बहुत खास है। खास है क्यों मालूम? एक तो ये हमारे बारे में भी हमको पता चल रहा है और आपका भी भला इसमें भला हो रहा है हमारे मेरे जरिए। या कोई भी जो वेट करेगा आपके इधर, जो आपका अपना वजन जानेगा आपसे, उससे आपका भी भला होगा क्योंकि आपने मेहनत करके कमाई करने की कोशिश करी। भले इसलिए मैं आपसे इधर बात करने आया हूँ और मैं अभी वजन भी करूंगा, मेरे हिसाब से जो भी छोटा मोटा रकम है वो जरूर दूंगा मैं। अच्छा। वही आपके हिसाब से ही मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वो दूंगा। अच्छा। तो बस ये है, मेरा दोस्त आया है मेरे साथ। अच्छा। हम लोग दोनों वजन करेंगे उस हिसाब से ही। हम चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 80 बरस का हूं मैं। 80 बरस के? तो दोस्तों ये 80 बरस के होते हुए भी दिन में 14 घंटा काम करते हैं और धूप हो छाव हो हर मौसम में काम करते हैं और कमाते हैं। जैसे इनसे मैंने बातचीत किया तो इन्होंने बताया कि दिन में इनकी कमाई करीब 200-250 रुपए होती है। तो मैं बस यही अपील करना चाहूँगा आप सबसे कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दें। और ये जो वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट है ये हमारा, ऐसे तो यूजुअली हम लोग न्यूज़ रिलेटेड वीडियो दिखाते हैं आपको, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, हम जो दिखाए हैं, ये हर वो इंसान से इंस्पायर्ड है जो समाज में अच्छे काम करता है। मेरे को भूख मांगने की आदत नहीं है। वही आपने, वही आपकी सबसे खासियत ये है कि आपने भीख ना मांगते हुए आपने मेहनत करके कमाने का सोचा, भीख नहीं मांगना। 80 साल की उम्र में भी आपने मेहनत करके कमाने का सोचा, ये बहुत बड़ी बात है अंकल। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँगा और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कब से आप लगा रहे हो ये वेइंग मशीन का इधर? ये कम से कम 3 महीने के उपचार में 3-4 महीने से हो रहा है। ठीक है। दिन में अंकल आप कितना घंटा बैठते हो आप इधर? 8-10 घंटा कभी। कितनी कमाई हो जाती है एक अंदाजन? 250-300 रुपया। तो अंकल मैं ये पूछना चाहूँगा, इस उम्र में भी भले आप ये जो काम कर रहे हो इतना मेहनत करके, मैं लोगों को देखा हूँ कि आपसे आधी उम्र के लोग भीख मांग के कमाते हैं, मेहनत ना करते हैं। तो उन लोगों को क्या बोलोगे आप कि क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो? आप इतनी उम्र में मेहनत करके कमा रहे हो 300 रुपया। ये तो मैं सोचा बोला साला फालतू बंदी से ये धंधा। तो अंकल आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप जैसे लोग बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन बोलते हैं ना हम, वो हो। तो इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं आते जाते देखता हूँ, मैं अंकल को तो टाइम से, आप शायद 3-4 महीने से हो, तो मैं आप लोग से हमेशा वज़न करवाता हूँ। तो मैं ये सोचा कि मैं कराता हूँ तो मैं ये मैसेज दूसरों को भी दूँ कि आप जैसे लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग से वज़न करवाए। क्यों मालूम? भले ये वज़न इतनी बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी ऐसी है जो हमको भी एक सेटिस्फेक्शन देगी, सेटिस्फेक्शन देगी कि हमारे हाथ से कुछ अच्छा काम हुआ है। और इससे आपका भी भला होगा, कहीं ना कहीं आपका भी भला होगा। अगर आपकी 250 के बदले 500 रुपये कमाई होगी
तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और उस 500 रुपये में अगर मेरे 2 रुपये या 10 रुपये भी है तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरे ज़रिए आपको खुशी मिली। मानते हो कि नहीं ये बात? तो बस यही मैसेज देने के लिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी अंकल से मैं नीचे बात करके आया और मैं अभी आपसे बात करने आया हूँ। अभी मैं वज़न भी करूँगा अंकल, मेरे हिसाब से जितना होगा मैं ज़रूर दूँगा।